तो दोस्तों हमारे 40K सब्सक्राइबर्स, 40,000 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, तो उसके लिए तो दोस्तों सबसे पहले थैंक यू वेरी मच यार, बहुत बहुत शुक्रिया मुआ, पप्पी। अब ये दोस्तों 40K जैसे ही होते मैंने लाइव स्ट्रीम करनी है और तुम सब लोगों को बहुत सारे शाउट आउट्स वगैरह देने। लेकिन यार दोस्तों 40K होने से पहले पहले एक बड़ा गंदा भंड हो गया है, तुम लोगों ने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा। ये देखो यार मेरा ये है ना रेडमी नोट 10S, जिससे मैं सब कुछ करता हूं यार, ये मेरे से गलती से गिर गया नीचे और ये गिरा स्क्रीन के बल। अब जो है इसके ऊपर प्रोटेक्टर नहीं था, तो देख सकते हो क्या हालत हो रही है इसकी स्क्रीन की। तो दोस्तों यही बेसिक रीजन था कि मैं कल लाइव नहीं आ पाया, क्योंकि मुझे तो आना था, लाइव स्ट्रीम करनी थी, कल ही लाइव स्ट्रीम करना था। लेकिन जर सी बात है, जब वो मोबाइल ही मेरा टूट गया, जिससे मैं सारे कॉमेंट्स का जवाब दूंगा, तुम लोगों के जो भी लाइव स्ट्रीम पर चैट वगैरह आएगी वो सारी उसी पर ही देख कर मैंने देना था जवाब, क्योंकि जर सी बात है इस वाले मोबाइल से तो लाइव स्ट्रीम कर रहा होता हूँ, तो उसी पर ही मैं सारे कॉमेंट्स वगैरह को देखता हूँ, जवाब वगैरह देता हूँ। क्योंकि जर सी बात है अभी मेरे पास वेबकैम नहीं है, तुम लोग बोलते हो यार गेमिंग करो मेरे साथ, गेमिंग करो, हर बंदा यही बोल रहा होता है। लेकिन यार जर सी बात है मेरे पास वेबकैम नहीं है, इस वजह से मोबाइल पर अलग रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ मैं वीडियो, कंप्यूटर पर अलग रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ, दोनों को मिलाकर एडिट करता हूँ फिर मैं डालता हूँ, इस वजह से मैं लाइव स्ट्रीम वगैरह नहीं कर पाता और तुम लोगों के साथ गेमिंग वगैरह अभी नहीं कर पाता। लेकिन पैसे जमा करेंगे, हम लेंगे वेबकैम अच्छा सा, मैं चाह रहा हूँ 4K ही लूँ एक ही बारी में, और मैं ये समझो कि तकरीबन वो मुझे कम से कम 2 से 3 लाख रुपए का पड़ेगा मिनिमम भी, क्योंकि जैसी बात है 4K 60 फ्रेम्स पर सेकंड का अगर तुम वेबकैम वगैरह लेते हो तो वो कम से कम भी 2 से 3 लाख रुपए का पड़ता है, क्योंकि DSLR अच्छे वाला लेना पड़ता है। खैर दोस्तों अब इसको फटाफट मैं सही करवाऊंगा, जैसी बात है आज मैंने जितना जल्दी हो सके इसको सही करवाना है, फिर मैंने लाइव आना है और तुम लोगों के साथ लाइव स्ट्रीम करनी है, क्योंकि जैसी बात है 40K सब्सक्राइबर्स हमारे बहुत जल्दी होने वाले हैं और 40K होने से पहले पहले मैंने लाइव स्ट्रीम करना है। और मेरा लाइव स्ट्रीम तो तुम लोगों को पता ही है कि सिर्फ शाउट आउट के लिए होता है, तुम लोगों के शाउट आउट्स के लिए, क्योंकि जैसी बात है उसमें मैं हर किसी का नाम लेता हूं, हर किसी को शाउट आउट देता हूं लाइव स्ट्रीम में। मेरे ख्याल में तुम लोग देखते भी इसी वजह से हो, मेरा लाइव स्ट्रीम देखने का कुछ नहीं होता कि ये वाज वगैरह को देखे, तुम सब लोगों को अपने शाउट आउट चाहिए होते हैं, सारे के सारे इसी वजह से लाइव स्ट्रीम पर आते हो। लेकिन खैर कोई बात नहीं, सबको शाउट आउट मिलेगा, आज मैं काफी ज्यादा लंबा लाइव स्ट्रीम करने की कोशिश करूंगा, तो 4 या 5 बजे तक मैं कोशिश करूंगा कि लाइव स्ट्रीम हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी मैं तुम लोगों को दिखाता हूं अपने मोबाइल की कंडीशन, ताकि तुम लोगों को भी अंदाजा हो जाए कि मैं कल लाइव स्ट्रीम क्यों नहीं कर पाया, क्या कंडीशन है मेरे मोबाइल की अभी। ये देखो दोस्तों देख सकते हो तुम लोग यार, क्या पूरा का पूरा स्क्रीन इसका शैटर हो गया है। अब ये यार अलग से खर्चा आ गया मेरे पर, ये समझो कि तकरीबन 8-10 हज़ार रुपए का होगा, क्योंकि ये एमोलेड स्क्रीन है यार, तो ये जो है अलग से हमारे पर भंड हो गया है कि 40K सब्सक्राइबर्स होने से पहले पहले ये नुकसान मेरा हो जाएगा, ये मुझे झेलना पड़ेगा। अब मुझे ये स्क्रीन लाजमी चेंज करवानी पड़ेगी, क्योंकि जितने भी कमेंट्स वगैरह होते सारे मैं इसी पर ही रिप्लाई देता हूँ, और जैसी बात है सिम वगैरह भी इसी में लगी हुई होती है, क्योंकि मेरे पास ये जो गूगल पिक्सल 6 है ये तो PTA अप्रूव है ही नहीं, इसमें सिम वगैरह चलती नहीं है, सस्ते के चक्कर में मैंने ये 65,000 का बगैर PTA अप्रूव वाला बगैर सिम चलने वाला लिया हुआ है, तो इस वजह से ये वाला मुझे लाजमी सही करवाना पड़ेगा। अभी तुम लोगों के कॉमेंट में सही तरह से देख भी नहीं पा रहा हूँ, देख सकते हो क्या हालत हुई है इसकी, कुछ भी नजर ही नहीं आ रहा, नीचे जहाँ कमेंट होता है, इधर जहाँ कमेंट होता है, इस सेक्शन में कुछ भी नजर ही नहीं आता कि मैं किस कमेंट का क्या जवाब दूं। तो इस वजह से जो है इसको चेंज करवाना, इसकी स्क्रीन को, इसकी ग्लास को सही करवाना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। अभी तो फिलहाल अगर तुम लोगों को नजर आ रहा है तो देख सकते हो मैंने इस पर टेप वगैरह लगाए में, क्योंकि ये हाथ में चुभ रहा था, ग्लास ऐसा हो गया था, और जैसी बात है 2 दिन मार्केट वगैरह नहीं खुली हुई थी, इस वजह से मैं ये चेंज नहीं करवा सकता था, तो मैंने इस पर फिर ये स्कॉच टेप लगा दिया, ट्रांसपेरेंट टेप लगा दिया, जिसकी वजह से अब मैं जुगाड़ मार के तुम लोगों के कमेंट्स वगैरह का जवाब दे रहा हूं। क्या बात है। तो अब दोस्तों तैयार होते चलते हैं, मोबाइल वगैरह सही करवाना तो पड़ेगा जहर सी बात है, तो तुम लोगों को मैं कराची भी थोड़ा सा दिखाता हूँ, मोबाइल मार्केट भी थोड़ी सी दिखाता हूँ, और ये भी बताता हूँ कि मेरा कितना खर्चा आता है ये मेरे मोबाइल की स्क्रीन को सही वगैरह करवाने में। अब ये देखो जरा हरकतें देखो हुज़ैफा की, दुम्बा है ना मेरा दोस्त, ये मास्क देखना तुम, ये देखो क्या हालत कर दी है इसकी, पहले ये ऊपर वाला तोड़ा तो फिर इसको बांध कर दे दिया मुझे, फिर ये नीचे वाला तोड़ा और इसको भी बांध कर दे दिया, अब ये देखो टेढ़ा मेढ़ा यू मास जा रहा है मेरा अजीब सा। खैर अब ये मास्क भी मुझे चेंज करना पड़ेगा, बहुत ही ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा, एक तरफ से कान खिंच रहा है एक तरफ से सही है, तो खैर चलते हैं अभी तैयार होते हैं। चलो भैया अब जरा मोबाइल सही करवा कर आए और तुम लोगों को भी रेट्स वगैरह बताता हूँ कि कितने में मेरा मोबाइल ये सही हो रहा है। ये दोस्तों देख सकते हो मैं आ गया हूँ सदर मोबाइल मार्केट, अब मैंने ये देख सकते हो नया मास्क भी ले लिया है, नया चश्मा भी ले लिया है, अब मुझे हुज़ैफा से दूर रखना पड़ेगा। एक तो लोग पता नहीं इधर ऐसे देखते हैं जैसे कोई एलियन वेलियन हूँ, दूसरी दुनिया से आया हूँ, अबे भाई वीडियो ही तो बना रहा हूँ एक सिंपल सिर्फ। ये दोस्तों ये है स्टार सिटी मॉल सदर में, और बेसिकली यहीं से मैं अपनी रिपेयरिंग वगैरह करवाना और मोबाइल खरीदना वगैरह सब कुछ यहीं से करता हूँ। जो पीछे वाली मार्केट है ना, जो कि पुरानी मार्केट है, उधर से मैं नहीं करता, क्योंकि इधर सी बात है उधर बहुत ज़्यादा घिचपिच होती है, बहुत ज़्यादा कंजस्टेड है। ये अच्छा है यार, इधर से ही सब कुछ लेता हूँ मैं।
ये आ गए हम लोग अंदर स्टार सिटी मॉल के, और देख सकते हो भैया मोबाइलों की दुनिया है ये, मोबाइल ही मोबाइल हैं, हर चीज़ मोबाइल की यहाँ पर मिलती है। तुम्हें चाइना मोबाइल चाहिए मिल जाएंगे, तुम्हें आईफोन चाहिए मिल जाएगा, तुम्हें सैमसंग चाहिए मिल जाएगा। जो कराची के रहने वाले हैं उनको तो इसका पता ही है, बाहर वालों को बस मैं बेसिकली बता रहा हूँ। और ये तकरीबन मेरे ख्याल में 4-5 मंजिला है, या मेरे ख्याल में उससे ज़्यादा है, मुझे एग्जैक्टली अंदाजा नहीं है। खैर मैंने यहाँ से अपना गूगल पिक्सल 6 जो है ना, जिससे मैं वीडियोज़ वगैरह बनाता हूँ, वो भी मैंने यहीं से लिया था। अब मैं जाऊंगा ग्राउंड फ्लोर पे, क्योंकि सारी रिपेयरिंग की शॉप्स ग्राउंड फ्लोर पर ही हैं, और ग्राउंड से भी नीचे जो बेसमेंट है ना, बेसमेंट में जाकर देखेंगे कोई अच्छी शॉप हमें मिल जाए रिपेयरिंग की। देखो यहाँ पर ना नीचे जो बेसमेंट है, यहाँ पर ज़्यादातर रिपेयरिंग वगैरह की ही शॉप्स हैं, और एसेसरीज़ हैं और रिपेयरिंग है। तो यहाँ पर मैंने ढूंढनी है कोई ऐसी शॉप जो मुझे अच्छा रेट दे रिपेयरिंग का, और सही तरह से मोबाइल भी सही कर दे, क्योंकि जर्सी बात है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सिर्फ ग्लास ही चेंज करवाना है, लेकिन अच्छी शॉप देखते हैं। हाँ तो भैया ये आपके मोबाइल रिपेयरिंग शॉप से हम लोग रिपेयर करवा रहे हैं। ये लोग मुझे बोल रहे हैं 2000 नहीं बल्कि 1500 कर दिया है, डिस्काउंट दे दिया थोड़ा सा, तो 1500 रुपये में आप ये रिपेयर हो जाएगा। देखते हैं कितना टाइम लगता है। वैसे तो हमें आधा एक घंटे का बोला है, लेकिन मेरे ख्याल में मुझे ज़्यादा टाइम ही लगेगा यहाँ पर, क्योंकि इधर सी बात है टाइम लगता है। ग्लास पहले पूरा निकालेंगे, फिर दोबारा उस पर दूसरा नया ग्लास लगाएंगे, और यूवी ग्लू वगैरह लगाएंगे उसमें। Many unbearable hours later. तो दोस्तों आ गए हम लोग अपना फाइनली मोबाइल सही करवा के, Redmi Note 10S, और 2000 रुपये का सही हुआ है। मुझे लग रहा था ज़्यादा खर्चा होगा, लेकिन मैं बच गया, क्योंकि जैसी बात है उसका पैनल बिल्कुल सही था, पैनल को कुछ नहीं हुआ। यानी जो नीचे स्क्रीन होती है, टच पैनल होता है, स्क्रीन होती है, उसको बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। और जो मसला आया वो सिर्फ उसके ऊपर जो ग्लास होता है ना, जो कांच होता है, जो ये समझो कि ऊपर स्क्रीन के लगाया हुआ होता है सिर्फ, तो वो जो है सिर्फ टूटा था। तो ये अच्छा हुआ कि ज़्यादा खर्चा फालतू का नहीं हुआ हमारे, हमारे सिर्फ अभी खर्च हुए हैं 2000। इसके अलावा मैंने मास्क वगैरह ले लिया था, चश्मा ले लिया था, हेलमेट भी ले लिया था, तो मेरे तकरीबन 2000-2500 एक्स्ट्रा और खर्च हो गए, और पेट्रोल में 100-150 रुपये लगे, तो यही टोटल खर्चा हुआ है। लेकिन ये अच्छी बात है कि हमारा मोबाइल अब बच गया, तो अब हम लोग कर पाएंगे लाइव स्ट्रीम। तो फटाफट मैंने लाइव स्ट्रीम का सब कुछ सेट करना है। मैं पहले तुम लोगों को दिखाऊं कि मेरे मोबाइल की अभी क्या हालत है, मोबाइल सही हुआ है तो कैसा लग रहा है, ये देख सकते हो दोस्तों। इसकी स्क्रीन पूरी सही हो चुकी है, ग्लास पैनल पूरा, ग्लास लगा है, पैनल नहीं लगा, टच पैनल वगैरह नहीं लगा, और इस पर अभी ये टेप वगैरह लगा हुआ है, लेकिन ये चल जाएगा, कोई मसला नहीं है, बेहतरीन चलेगा। अब ये एक दिन तक मुझे इसका टेप लगा रहने देना है, क्योंकि इसकी जो यूवी ग्लू होगी वो सूखेगी सही तरह से, तभी ये इसकी स्क्रीन परफेक्ट होगी, वरना ये जो है स्क्रीन हिल जाएगी। तो इस वजह से मैंने इसको ये समझो कि टेप ही अभी लगे रहने दिया है, और आते ही मैं बैठ गया देख लो एडिटिंग करने, मैंने रेस्ट भी नहीं लिया, क्योंकि जैसी बात है ये वीडियो मुझे लाइव स्ट्रीम से पहले पहले डालनी है, पहले ये पूरी वीडियो फटाफट जल्दी से एडिट करेंगे, उसके बाद फिर मैं करूंगा लाइव स्ट्रीम। तो अभी दोस्तों मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ, ये देखो अगर तुम लोगों को नजर आ रहा है, हमारे 39,981 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। तो बेसिकली अब जब तक मेरे ख्याल में मैं लाइव स्ट्रीम ऑन वगैरह करूंगा, तब तक ये 40K हो चुके होंगे। तो तुम लोगों ने इनको जल्दी से 40K कर देना है, और मैं अभी प्रिपरेशन वगैरह करता हूँ, लाइव स्ट्रीम वगैरह सेट करता हूँ, और अब मिलते हैं तुम लोगों से अब मैं मिलूंगा लाइव स्ट्रीम में। तो मैं भी फटाफट तैयारी करता हूँ, और तुम लोग भी फटाफट तैयारी करो, और जल्दी से आ जाओ मेरे लाइव स्ट्रीम में।